हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज सुबह सुबह जो है हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। वो जो बनाना ट्री देखा है ना, उसके पीछे है घर। उनके घर में हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, और उनके घर जाने के लिए छोटा सा नदी हमने क्रॉस किया। उधर से आने के बाद जो है मेरे हस्बैंड और ये लड़का जो है दोनों मिल के हमारा जो तालाब है वो साफ़ कर रहे थे, और उन्होंने मछली भी पकड़ी। आप लोग को दिखाती हूँ, ये रहा इन्होंने जो मछली पकड़ा था। हाँ, इतना ही पकड़ा था। और उसके बाद उन्होंने स्नेल कलेक्ट किया, स्नेल भी बहुत सारा उन लोगों को मिला। तो हम लोग लंच भी प्रिपेयर कर रहे थे और तोड़ रहे थे आम भी। तो स्टेसी मेरी हेल्प कर रही थी आम तोड़ने के लिए। और आप लोग को मैं दिखाती हूँ ये आम, पता नहीं इसका शेप कैसा है। देखो, अच्छी तरह से दिखा नहीं पाई कैमरा में, पर इसका जो शेप है अजीब सा था। हाँ, तो हमारा लंच ख़त्म होने के बाद हम लोग आए थे हमारे दादा के घर में। ये हमारे दूर के दादाजी हैं, तो ये इनका जो है लेफ्ट साइड से पूरा शरीर जो है पैरालाइज हो गया था। तो उन्हीं के घर में हम लोग आए थे, मेरे हस्बैंड और मैं। मेरे हस्बैंड जो है इनका हेयर कट करने वाले हैं। इनका हेयर कट ख़त्म हो गया है, तो अभी इनको नहला रहे हैं। काला मुर्गा। हाँ, तो इनके घर में जो है दो काले मुर्गे आते हैं। ये एक काला मुर्गे का वीडियो लिया, एक और कर नहीं ले पाए। तो उधर से आने के बाद इस लड़के को हम लोगों ने नारियल के पेड़ में चढ़ाया, क्योंकि स्टेसी को बहुत नारियल का पानी पीने का मन था इसी वजह से। और उसके बाद हम लोग ने जो है नारियल का ये फ्लैश खाया। बहुत टायर्ड हो गई हूँ आने के बाद। अभी 9 बजे मैं खाना पका रही हूँ। सुबह से ही देखो बारिश हो रही है इतनी। हाँ, तो आज सुबह से जो है इतनी बारिश हो रही थी। फिर हम लोगों ने पी हमारे सुबह की चाय। ये देखो तेल का बोतल, इसका जो सिर के तरफ है ना, उसके ढकने के साइड में देखो कैसा हो गया है, पूरा चपटा हो गया है। और आज का जो वेदर है अनप्रेडिक्टेबल है। सुबह को इतनी बारिश हो रही थी, और अभी देखो इतना धूप दे रहा है। और हम लोग वरांदा में बैठ के पाइनएप्पल और मैंगो खा रहे थे। ये हम लोग कल लेके आए थे गांव से। फिर उसके बाद हम लोग को इतनी गर्मी लग रही थी ना, तो मैंने धर्मेंद्र को भेजा शॉप से मज़ा ख़रीदने के लिए। और ये जो मज़ा है पूरा आइस बन गया था, और हमको कितना कष्ट लगा इसको निकालने में। फिर मेरे जो नेबर है ना, वो चावल सफाई कर रही थी। जब मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो हाँ, मुझे सेम रूटीन फिर से फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल में जाओ और मैं क्या करती हूँ वही सब। और घर में रहती हूँ तो इतना कुछ है नहीं शेयर करने के लिए आप लोग के साथ। मेरे नेबर का काम ख़त्म होने के बाद हम दोनों ही चले गए थे फ्रेशन अप होने के लिए। और उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया डिनर के लिए। तो हाँ, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।